अस्सलाम वालेकुम इन किचन विद हानिया में आज हम बनाएंगे पोटैटो पैनकेक ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही मज़ेदार आलू की टिकियाँ भी कह सकते हैं इसे आप इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं केचप के साथ भी और बनाना एकदम आसान इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट कर लें सबसे पहले हम लोग एक किलो आलू लेके इन्हें छीलेंगे और इन्हें कद्दूकश कर लेंगे और साथ में हम लोग लेंगे वन टी स्पून चिली लाल मिर्च वन एंड हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे और मैदा लेंगे टू टेबल स्पून और ग्रीन चिली लेंगे कटी हुई बरीक थोड़ी सी दरमिया साइज़ का एक प्याज और दो अदद अंडे लेंगे नमक और मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से जी आलू कदूकश करके हम तकरीबन पाँच से छः मिनट के लिए इस तरह इसे छोड़ देंगे रख देंगे एक साइड पे और उसके बाद इसमें हम लोग बाकी मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करके पैनकेक तैयार करेंगे जी पाँच से छः मिनट हो चुके हैं देखें इतने बारीक आपने आलू कद्दूकश करने हैं इस साइड से करने हैं ना कि इस साइड से और ना ही इस साइड से इससे सबसे ज़्यादा बारीक होंगे और इसमें बहुत ही बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे जिस कदर आप बारीक काट सकते हैं इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें रेड चिली डालेंगे और नमक डालेंगे और टू टेबल स्पून हमने मैदा लिया था वो डालेंगे थोड़ी सी बरी कटी हुई लाल मिर्चें एक तकरीबन एक अदद सब्स मिर्च तकरीबन एक अदद है दो अंडे डालेंगे और इसे तकरीबन एक दो मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे बहुत ही टेस्टी हैं एक मंतब आप जरूर ट्राई कीजिएगा घर वालों को खिलाइएगा इन बहुत पसंद आएंगी और झटपट बन जाने वाली हैं पकौड़े तो खाते ही हैं एक दफ़ा ये भी ट्राई कीजिएगा इसका टेस्ट डिफरेंट है, है पकौड़ों से और बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मज़े के इसको अब हम पाँच से छः मिनट के लिए रख देंगे और फिर फ्राई करेंगे अब हम तकरीबन टू टेबल स्पून ऑयल लेंगे सादा ना लीजिएगा तकरीबन इतना ही चाहिए और इसे गर्म कर लें अच्छे से हीट मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है तो आपने इसमें फिर पेन के का पेस्ट डालना है और आपने वेट करना है जब एक साइड से आपको लगे कि बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कलर अच्छा आ चुका है गोल्डन ब्राउन तो फिर आप किस इसकी साइड चेंज कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी है और ये देखें कदर प्यारा कलर है ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट कलर भी बहुत अच्छा है आपने भी तकरीबन ये बीस सेकंड बीस से बाईस सेकंड एक साइड को तैयार होने में लगे हैं अगर ऑयल कम लगे तो आप इस टाइम पे फिर एक से डेढ़ चम्मच ऑयल डाल दीजिए ऑयल के बगैर ना बनाइएगा वरना वो जले का टेस्ट होगा थोड़ा सा ऑयल नीचे रहना चाहिए पैन में और ये देखें तकरीबन एक किलो आलू से बीस बाईस पैनकेक बनेंगे दरमिया साइज़ के जी फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ख़ूबसूरत और बहुत ही टेस्टी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इन किचन में कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अब मैं लेके आऊँगी बहुत ही जल्द अगली मज़ेदार सी रेसिपी तब तक के लिए इन किचन में दहानियाँ से अल्लाह हाफिज़